सो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ हो गए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से आगे लगाया जा रहा है और पूरा हमने ये चमका दिया है। आप देख सकते हो, पूरा दिखा दिया है, एक बार पूरा वो दिखा दिया कैसा लग रहा है। ये पूरा हमने यहाँ पे सिर्फ कॉइल लगा रखी है, अगर जो बची रही है उसके लिए हमने यहाँ पे लगाया जा रहा है। उसके लिए यहाँ पे ये काम चोर लोग हैं और क्या उसका नाम, छोटे मोटे काम करते हैं और इनको ये छोटा सा काम दिया है और बहुत उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा रखा है। टाइम पास करने वाला सिस्टम है इनका। इनका देखो पूरा, जहाँ पे आधे घंटे में काम होना था वहाँ 4 घंटे लगा दिए सुबह से लेकर, और जहाँ पे सिल्वर कॉइन ख़त्म हुई थी वहाँ से हम ये ब्लॉगर साहब है और इनके साथ नितिन शर्मा है। नितिन शर्मा बहुत काम के बंदे हैं। ये देखिए, मेहमान लोग यहाँ पे खाते हुए पकौड़े पूरी प्लेटें भर के। भूख लगी है? अच्छा, इधर ये नन्हे मुन्ने कलाकार लगे हैं। तुम क्यों लड़ रहे भाई, लड़ क्यों रहे? लड़ने। और ये देखिए यहाँ चोटकू प्रसाद क्या खा रहा है। पकौड़े कैसे लग रहे? बढ़िया। किसने बनाए? तो दोस्तों, यहाँ पे अब दुल्हन पहुँचने वाली है सीधी गेट पे, और गेट में जो लड़कियाँ हैं उन्होंने दुल्हन के स्वागत के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे गेट को सजाया है और साथ में रिबन को लगाया गया है। जो दुल्हन के साथ दुल्हन का भाई होता है वो रिबन को काटेगा। और आप देख सकते हो थोड़ा रास्ता यहाँ पे थोड़ा ख़राब है, तो इस वजह से थोड़ा आराम आराम से आना पड़ रहा है। दूल्हा और दुल्हन की एंट्री सीधा गेट के पास में, तो आप देखते रहिए दोस्तों, एंजॉय करते रहिए। ये देखिए आप, दुल्हन के पास लहंगा पहना है तो दिक्कत हो रही है थोड़ा आने में, ना नीचे चलने में थोड़ा दिक्कत सी हो रही है। तो अब यहाँ से दुल्हन सीधा गेट पे चले गए, दुल्हन और दूल्हा मतलब दोनों, और फिर जो दुल्हन का भाई है वो रिबन को काटेगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, बने रहिए आप, बस एंजॉय करते रहिए। और अब सीधा गेट के पास पहुँच चुके हैं और दुल्हन की एंट्री हो चुकी है, और दुल्हन का जो स्वागत है वो कुछ इस तरह से होता है दोस्तों, जैसा मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। हमारे यहाँ थोड़ा ये पहाड़ी रीति रिवाज के अनुसार ढोलक के साथ दुल्हन और दूल्हे का स्वागत किया जाता है। मतलब कोई भी मेहमान आते हैं तो उनका स्वागत कुछ इस तरह से ही होता है। अब देख सकते हो, अब दूल्हा और दूल्हे ने जो ढोलक वाले उनके ढोलक के ऊपर पैसे रख दिए हैं। ये थोड़ी हमारी प्रथा है, तो वो देने पड़ते हैं स्वागत के लिए। तो अब सीधा रिबन कटेगी दोस्तों। दुल्हन का भाई ठीक दुल्हन के पीछे है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, क्या किसी भी दुल्हन को पकड़ा दी थी, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ सा हो गया था। तभी बाद में ध्यान आया कि जो कैंची है वो दुल्हन के भाई को दी जाए और वही इसको काटेगा। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, देख सकते हो आप। अब दुल्हन को कैंची पकड़ा दी थी,
बट जो रीवन है वो तो दुल्हन का भाई काटेगा। अब जाएगा आगे दुल्हन के भाई, अब रीवन को काटी जाएगी। यहाँ पे पूरा रीति रिवाज के साथ यहाँ पे अब रीवन को काटा जा रहा है। तो आप एंजॉय करते रहिए, इसके बाद दोस्तों लगेगी सीधी नाटी। तो आप बने रहिए दोस्तों, एंजॉय करते रहिए, ब्लॉग के एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों अब यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है पहाड़ी हारून और खूब सूरत डांस होगा। अब आप देखते रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे होगा मामा लोगों का स्वागत। आप देख सकते हो मामा लोग नाचते नाचते पहुंच चुके हैं अब बिल्कुल गेट के पास में, और अब लगे यहाँ से एक नाटी। तो आप देखते रहिए दोस्तों, एंजॉय करते रहिए। पर दोस्तों जो बारिश है ना, बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बहुत तेज बारिश हो रही है। आप देख सकते हो फिर भी मामा लोगों ने पूरा समर्थन दे रखा, अपना पूरा डांस पूरी तरह से डांस हो रहा है। आप देख सकते हो खूबसूरत डांस, एंजॉय करें। तो चलिए एंजॉय कर। चलिए दोस्तों अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा होने जा रहा है। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्दी। तो अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर, और चैनल पे पहली बार ही विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।